देश में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। पत्रकार जनता से इस बढ़ती महंगाई पर उनकी राय ले रहे हैं। आज बात हिंदुस्तान लाइव चैनल की एक वीडियो की करते हैं, जिसमें पत्रकार ने पेट्रोल पंप पर जनता से बात की तो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे आदमी को महंगाई से मजबूर आदमी ने घेर लिया। आप ही देखिए ये वीडियो। तो कितनी एक्साइज ड्यूटी ली है सरकार ने एक साल? देखो क्या है कि वो डेवलपमेंट, आप बताओ ना, आपको डाटा पता है तो कितनी एक्साइज ड्यूटी ली है? अब ये डे टू डे का मुझे नहीं पता, पहले इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमारे देश की थी इतनी। अच्छा, तो बढ़िया। अब मतलब विदेशों में डंका बजा रहे हैं? यस। तो डंका बजाना महंगा पड़ रहा है? मतलब महंगा नहीं, आप विदेशों में डंका बजाने का महंगाई से क्या ताल्लुकात है? आप नहीं, ग्रोथ रेट कितना हो रहा है हमारा तो गोविंद, एक मिनट, हमारा तो जी क्या कह रहे हो? ये नहीं बोल रहे हैं, ये अंधभक्त बोल रहे हैं। अच्छा, अंधभक्त माने जिसको दुनिया दिख नहीं रही है। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप? दिक्कत हो रही है पेट्रोल? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आम आदमी बहुत मजबूर है, माने घुट घुट के जी रहा है। इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी थी और है और आगे भी आएगी। ये कह रहे विदेशों में डंका बजा रहे मोदी जी? अरे विदेशों में जो डंका बजा है दुनिया देख रही है, कितना डंका बज रहा है, कितना दुनिया देख, सब जानती है कि कितना डंका बज रहा है। ये कह रहे हैं अंधभक्तों की तरह बात मत करो। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, सुनो मेरे भैया, नहीं ये गरीब आदमी है, इनको परेशानी हो रही है ना, आपको गाड़ी में बैठ के नहीं होगी परेशानी, हो सकता है 5 रुपए लीटर आएगा, 35 रुपए ज्यादा बढ़ चुका है, कहाँ से आएगा, कहाँ से? ये देश कोई आज तो नहीं बना, आज बना ये देश? ये देश मैं बताता हूँ, ये जो है ना बीजेपी के लोग या ये आरएसएस के चमचे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं और इनकी भी जो मेंटालिटी है वो अंग्रेजों वाली है। कोई कानून ना वापस नहीं करोगे जलियांवाले में, जलियांवाले ले लेते एक बार। ये कह रहे हैं कि देश आज तो नहीं बना ना। मैं कोई आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता, कोई फायदा नहीं है। आप उनसी बात, जब आदमी को देश चलाना नहीं आना तो दूसरे आरोप नहीं लगाया करता होता है। देश जो देश है वो लोगों से होता है, वी आर द कंट्री। महंगाई बढ़ जाने से जनता के मन में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। आप जनता की परेशानियां उन्हीं से सुन लीजिए। सड़कें, बिल्डिंगें, अदानी देश नहीं है। और ये जो आरएसएस के हैं ना चमचे, जिनको यही समझ में आता है कि जी सब कुछ सही है, इस देश में ऐसे ही चलेगा, यही मेंटालिटी एक टाइम में अंग्रेजों की थी कि सब कुछ सही है, जनता को जैसे मर्जी प्रताड़ित करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? और उन्होंने कभी कानून वापस लिया? जबकि वो स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके नाचती थी लोगों के बीच, आज कहाँ चली गई? जो है वी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हर रोज अगर इन्होंने एक माचिस भी लिया तो उस पर टैक्स देते हैं। सो देयर इज नथिंग फ्री। फ्री मैं तब मानूंगा जब ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके पैसे से हमें वैक्सीन लगा के देंगे। सो हम इनको पाल रहे हैं। मोदी जी ने त्याग और तपस्या से देश को बचा लिया, वरना तो मारे जाते सारे। मोदी जी ने त्याग और तपस्या से जिनको बचाया उनका प्रॉफिट इतने पेंडेमिक भी 46% अप गया रिलायंस इंडस्ट्री का। यो कहते हैं 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना अभी पेट्रोल में कहाँ है? क्यों ये एक्साइज लगा के बैठे हुए हैं? आप इस वीडियो पर जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।